हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्त स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, आज की वीडियो उनके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, जो स्टूडेंट्स बरेली कॉलेज बरेली में शैक्षिक सत्र 2020 से किसने एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि आपने अभी अभी 12th क्लास पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप भी बरेली कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आपको एडमिशन किस स्टेप से लेना है, ऑनलाइन आवेदन किस स्टेप से करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो बरेली कॉलेज से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बरेली कॉलेज के सभी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिला होगा, बरेली कॉलेज में इस सत्र से प्रवेश ऑनलाइन होंगे। पिछले ईयर में भी ऑनलाइन प्रवेश ही हुए थे, 2 से 3 साल पहले से ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके लिए जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी, वो 103 रुपये रखी गई है। यानी कि बरेली कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए 103 रुपये फीस रखी गई है। और ये बरेली कॉलेज में आवेदन करने से पहले आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। यानी कि बरेली कॉलेज जो है वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इसलिए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना कंपलसरी है। उस फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो बरेली कॉलेज में आवेदन करने से पहले, एडमिशन लेने से पहले, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपना एक एडमिशन फॉर्म यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे आप फिल कर दीजिए। और उस फॉर्म को फिल करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस स्टेप से आपको फिल करना है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप अपने जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब बरेली कॉलेज बरेली की तरफ से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपको बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर एक फॉर्म फिल करना होगा एडमिशन के लिए, जिसकी फीस आपको 103 रुपये देना होगी। बरेली कॉलेज में सभी कोर्सेज की लगभग 5000 सीटें हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि BBA, BCA, BLib वगैरह, PGDCA और जो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है, तो उन कोर्सेज के लिए बरेली कॉलेज की तरफ से ऑलरेडी एडमिशन प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के बारे में जानकारी दी है, तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप BBA, BCA, BLib या फिर अदर किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं, लगभग 10 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ऑनलाइन रास्ते से स्टार्ट कर दिए गए हैं बरेली कॉलेज की तरफ से। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर UG या PG कोर्सेज, जैसे कि BA, BSc, BCom या फिर MA और MCom के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपके जो आवेदन हैं अगस्त से शुरू होंगे, यहाँ पर आप देख सकते होंगे अगस्त से शुरू होगी बरेली कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के लिए एडमिशन की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर जानकारी दी गई कि बरेली कॉलेज में मेन कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कॉलेज नहीं आना होगा। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर यह रहेगी कि बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद उस फॉर्म की जो कॉपी होगी हार्ड कॉपी, वो आपको कॉलेज में जमा करने के लिए नहीं जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, सबसे पहले आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद जब बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा, इसलिए आप वीडियो मेरे साथ इस तरह से बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही बरेली कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होंगे, आपको बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर अपना एक आवेदन फॉर्म फिल करना होगा, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्म है उसकी कॉपी जो है वो आपको कॉलेज में जमा नहीं करना है, बल्कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने पास ठीक से रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद अब किसी भी कैंडिडेट्स को हार्ड कॉपी जमा करने को कॉलेज नहीं आना होगा। इस बार ये पूरी प्रक्रिया जो है बरेली कॉलेज ऑनलाइन करने जा रहा है। ये जानकारी बरेली कॉलेज प्रवेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव मल्होत्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू करने की तैयारी चल रही है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, आपके जो एडमिशन है वो 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बरेली कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये जानकारी मिल सके कि जो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर सेकेंड ईयर में एडमिशन होंगे या फिर फाइनल ईयर में एडमिशन होंगे, वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। किसी भी सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं
नहीं है, आपके जो एडमिशन होंगे वो कॉलेज में जाकर ही होंगे, ठीक है। उसकी जो प्रवेश प्रक्रिया वो ऑफलाइन होती है, उसमें किसी भी टाइप का कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना नहीं होता है। जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप कॉलेज में जाइए मार्कशीट लेकर, आपका जो एडमिशन है वहीं कॉलेज में ही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही बरेली कॉलेज, बरेली में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमके या एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होंगे, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एमएससी में एडमिशन लेंगे, ठीक है, उनका इंट्रेंस एग्जाम होता है। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलरेडी जो फॉर्म है वो फिल किए जा चुके हैं। इंट्रेंस एग्जाम कब होगा इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी डेट घोषित नहीं की गई है। जिन स्टूडेंट्स ने भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया है उनके लिए बहुत जो एग्जाम डेट है वो आने वाली है। और यहां पर आप देख सकते होंगे जो स्टूडेंट्स भी वीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमकॉम के लिए आवेदन करेंगे वो उन सभी स्टूडेंट्स के जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर ही होंगे। ये सारी चीजें आपको लगातार हमारे चैनल पर जानकारी दी जाती रहेगी, तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।